हेलो एवरी वन, वेलकम टू लेट्स डिस्कवर इट। दिस इज आर्या सिंह एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट वॉट इज एम्पलीट्यूड, वॉट इज टाइम पीरियड एंड वॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं एक्चुअली अच्छे से, और पिछले वीडियो में हमने सब बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। तो दिस इज आर्या एंड टूडे वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक विथ कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन सेपरेट वीडियो पार्ट। वी हैव लर्न दैट टू और फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज वाइब्रेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्चुअली वाइब्रेशन होता क्या है, ठीक है, तो वाइब्रेशन क्या होता है, ये जो मोशन टू और फ्रो मोशन जो होता है ना, ये जो अगर चलिए हमारा एक कोई पेंडुलम है, पेंडुलम क्लॉक क्लॉक आप लोगों ने देखा होगा, ये पेंडुलम क्लॉक एक बार यहाँ से यहाँ मूव किया और फिर क्या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मूव किया, ठीक है, और फिर वहाँ वो यहाँ से लौट कर फिर यहाँ आया, तो ये इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, ये एक ऑसिलेशन कहलाता है। लेकिन ये जो ऐसे 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 देखिए यहाँ से ऐसे गया फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ऐसे गया फिर यहाँ आया, तो ये जो मोशन चलता रहा है ना, ये हमारा कहलाता है टू एंड फ्रो मोशन, यानी टू एंड फ्रो मोशन, कुछ ऐसा मोशन टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है। इसी को हम वाइब्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ वाइब्रेट करेगी तो ऐसे ऐसे ही होती है ना, जैसे मिड पॉइंट थोड़ा यहाँ यहाँ लेना होगा आपको, तो वही होती है वाइब्रेशन। द मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेज अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। हम लोगों ने अर्लियर यानी सेवन्थ क्लास में ऑसिलेटरी मोशन और टाइम पीरियड को कम्प्लीट किया है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। अब देखिए नंबर ऑफ एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन होता है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और इस फ्रीक्वेंसी को जिस चीज़ में हम एक्सप्रेस करते हैं यानी जो इसका यूनिट है वो हर्ज कहलाता है, यानी एच जेड जिसे हम स्मॉल फॉर्म में कह सकते हैं। इसका सिंबल मैंने आपको बता दिया। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वन एच जेड इज वन ऑसिलेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ वन एच यानी एक एच का बात करें तो एक फ्रीक्वेंसी में एक ऑसिलेशन होता है पर सेकंड में, तो 20 टाइम्स में 20 हर्ज हो जाएगा, 20 फ्रीक्वेंसी। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। देखिए आप लोग बहुत सारे साउंड से फैमिलियर हैं जो अगर प्रोड्यूस होगा तो आप समझ जाओगे कि ये एक्चुअली उस चीज़ की साउंड थी। अगर मैं किसी बाइक का या फिर कोई चीज़ का हॉर्न ब्लो करूं तो कितनी भी दूर पे रहोगे तो अगर आप हॉर्न उसकी आवाज़ एक तरह से साउंड सुनोगे उसकी, ठीक है, तो क्या आप उसे दौड़ कर देखोगे कि एक्चुअली ये क्या है, नहीं देखोगे ना, क्यों नहीं देखोगे, क्योंकि आप गाड़ी की जो साउंड है उससे क्या हो, फैमिलियर हो, तो ये आप ईजिली बता पाओगे। तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी साउंड, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये दोनों जिस चीज़ दो प्रॉपर्टी है, ये जो साउंड की मेन प्रॉपर्टी है, क्या आप इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कोई भी दो साउंड पे, उनके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पे। देखिए फ्रॉम द मिड पॉइंट जो वेव होता है एक्चुअली, देखिए मैं यहाँ बता दूँ आपको, यहाँ बना हुआ है, तो एक्चुअली हम यहाँ से एक लाइनिंग खींच लेंगे, अगर आप तक अच्छे से पिक्चर नहीं पहुँच रही है तो आपको सिंपली क्वालिटी बढ़ानी है अपने वीडियो की, चलिए थोड़ी देर के लिए बस यहाँ से हम एक मिड पॉइंट पास करा दिया मैंने, तो ये यहाँ से जो एक्चुअली ये आया हुआ है ना, ये है हमारा एम्पलीट्यूड, वन मिनट, ये है हमारा एम्पलीट्यूड, फिर ये है हमारा एम्पलीट्यूड, तो ये तो पूरा एम्पलीट्यूड की बात की है हमने। अगर हम यहाँ से एक फिर मिड पॉइंट खींच दें तो ये पार्ट जो है हमारा करीबन यहाँ से यहाँ तक ना, वन मिनट, ये जो है हमारा ये पार्ट एम्पलीट्यूड है, फिर यहाँ से ये पार्ट एम्पलीट्यूड है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड। द पार्ट फ्रॉम मिड अप पार्ट एंड द लोअर पार्ट बोथ आर कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो दिस विल बी कंप्लीटेड, तो अगले वीडियो में, थैंक्स ऑल ऑफ यू। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मैं आपको लाउडनेस और पिच के बारे में समझाऊंगी। Thank you.